ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां हत्या कर गंगा में फेंके गए छात्र करण के शव को किया गया बरामद। अगली खबर झांसी से है, जहां कपड़े के शोरूम और स्पोर्ट्स दुकान में लगी भीषण आग। साथ ही अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां चोरों ने ग्रामीणों के घर को निशाना बनाकर जेवर नकदी पर साफ किया हाथ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां छात्र करण का शव गंगा से बरामद किया गया है। छात्र के शव की तलाश में कई गोताखोर टीमें जुटी हुई थीं। बता दें कि पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दोस्तों ने हत्या कर छात्र के शव को गंगा में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच के बाद अपहरण, हत्या आदि की धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस ने हत्या आरोपी करण के तीन दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। बता दें पूरा मामला आहार थाना क्षेत्र के अवंतिका गंगा घाट का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के ताऊ का क्या कुछ कहना है। नाम आपका? नरेश। नरेश, क्या हो गया था? ये मैं उस लड़के का ताऊ। अच्छा, हाँ। आज ये जो है लड़के को घर से ले गए थे, बुला करके चलो सत्संग घर पे चल रहे, तो वहाँ से इन्होंने वहाँ पिया खाया है और फिर गाड़ी करी है इन्होंने, और गाड़ी करके जो है उसको लड़के को वहाँ से उठा करके और गंगा जी पे ले आए। अच्छा। और गंगा जी पर लाके और तुम्हारे उल्ली पार से टापू पे इन्होंने वहाँ टपेले तो टापू पे ले गए, टापू पे उसको मार करके और पल्लियों को गंगा जी में ठहर लिया। अब बॉडी कहाँ मिली? बॉडी गंगा उल्ली मारा तो उल्ली और है, लेकिन बॉडी पल्ली और जाके मिली है। अच्छा, कितने लोग थे इनमें मारने वाले? पांच। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा किसी को? हाँ, उसमें से तीनों को पकड़ लिया है, दो फरार है। वहाँ से उठा के लाए हैं, ये गांव से कार ली है, कार में उठा के लाए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां प्रचंड गर्मी के कारण आए दिन कभी मकान तो कभी दुकान भी आग की सूचनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर झांसी में कपड़े के शोरूम में AC में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अचानक आग ने कुछ ही समय में भीषण रूप लेते हुए पास के ही स्पोर्ट्स की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। महानगर के पौंछ इलाके सदर में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके की ओर दौड़ी। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया और आग की विकरालता को देखते हुए सेना की टीम भी मौके पर उतरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने एक के बाद एक हो रही आगजनी की इन घटनाओं को लेकर प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए और कहा कि गर्मी चरम पर है, ऐसे में बार बार बिजली के आने जाने से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। ये पिछले कुछ दिनों में आग की महानगर में ये छठी घटना है। झांसी में लगातार ये आग जो बिजली बार बार ट्रैप हो रही उसके कारण लड़ रही, शॉर्ट सर्किट उसी वजह से होता है। एक घंटे लाइट आ रही, एक घंटे लाइट जा रही, और प्रशासन संवेदनशील नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, छठवीं घटना है। यहाँ तक कि हसारी पावर हाउस में भी आग लगी। जब बार बार बिजली आएगी जाएगी तो उससे जो इन्वर्टर है और जो बैटरी है वो फ्लक्चुएट होगी, तो ये इस पर प्रशासन को एक हाई पावर्ड मीटिंग बुलाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर कानपुर नगर से, जहां आपको बता दें कि कानपुर महानगर को अतिक्रमण और जाम से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कमर कस ली है। शहर के प्रमुख चौराहों पर सुबह से ही कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी दलबल के साथ सड़कों पर अतिक्रमण को हटवाते नजर आ रहे हैं। शहर के अति भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर जाम मुक्त कराने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कानपुर के कुछ चौराहों को आदर्श चौराहा बनाने के लिए चौराहों के आसपास लगी दुकानों के साथ रेहड़ी पटरी सहित ई रिक्शा वालों को चौराहे से 100 मीटर की लिए दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ACP कोतवाली अर्चना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण वालों को चौराहे से हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लाउड हेलर से सबको बताया गया है कि कोई भी सड़क पर अतिक्रमण ना करे। नगर निगम सड़क पर बेहतर साफ सफाई के लिए पानी का छिड़काव कर रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में ACP कोतवाली अर्चना सिंह ने आगे क्या कुछ बताया। मैम, आप चौराहे पे निकली हैं, किस जगह निर्देश दे रही हैं आप?
ये कोतवाली कमिश्नरेट में हर चौराहे को आदर्श चौराहे के रूप में डेवलप करने के लिए माननीय हमारे कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए हैं। उसी के क्रम में आज हमारा जो बड़ा चौराहा है, इसमें हम लोगों ने आज जितना भी अतिक्रमण था, ठेला वगैरह लगा रखे थे, उनको हटाया गया। DCP महोदय भी अभी निरीक्षण करके गए हैं और ई रिक्शा वालों को भी हिदायत दी गई है कि 100 मीटर चौराहे तक कोई भी ई रिक्शा ना लगाए, ना कोई ठेला, ना कोई दुकानें लगाई जाएंगी। हम 100 मीटर का एक अभी पट्टी भी डलवाएंगे, जिससे कि जो भी कोई दुकानें अगर इसमें लगाता हुआ पाया जाएगा या कोई ई रिक्शा खड़ा होगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम आदो नगली में चोरों ने ग्रामीण कमलदीप कश्यप के घर को निशाना बनाकर यहां से जेवर, नकदी आदि चोरी कर लिए। कमलदीप कश्यप के अनुसार विगत रात्रि स्वजन घर के बरामदे में सो रहे थे। सुबह जागने पर उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी व संदूक खुला पड़ा हुआ था, काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने देखा कि अलमारी व संदूक में रखे सोने व चांदी के जेवर व नकदी गायब थी। कमलदीप के अनुसार चोर उनके घर के दरवाजे को फांद कर उनके घर में घुस आए और कमरे का किवाड़ खोल कर अंदर घुसे, वहीं रखी अलमारी व संदूक में रखे जेवर और नकदी ले गए। कमलदीप के अनुसार उसने भगतपुर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं चोरों ने ग्राम गंजोवाली में दो ग्रामीणों के घर को निशाना बनाकर यहां से भी जेवर व नकदी सहित काफ़ी सामान चोरी कर लिया था। इतना ही नहीं, चोरों ने कुछ दिन पहले थाने से 500 मीटर की दूरी पर बने घरों के बाहर दुकानों पर खड़े जनरेटरों को भी खोल कर ले गए थे, जिसका अभी तक भगतपुर पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। लगातार बढ़ती चोरियों से जनता के भी दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको कैसे पता चला भैया आपके यहाँ चोरी हो गई है? भैया सुबह उठे हम तो सुबह हमने देखा कि हमारा कमरा खुला हुआ है, सेफ खुली है, संदूक खुला है, सामान सारा बिखरा पड़ा है। अच्छा। हमें सुबह की टाइम नहीं पता चल पाया जी आपके यहाँ चोरी हो गई है। कितने लोग रहते हैं आप अपने घर में? हम दो लोग हैं, दो बच्चे हैं हमारे छोटे, हम बस पति पत्नी रहते हैं घर में। लगभग कितने रुपए का सामान चला गया है? लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान गया हुआ है, जिसमें चीज जेवर है, कुछ कपड़े हैं, कुछ नकदी। जेवरात सोने चांदी दोनों के ही थे? सोने चांदी दोनों के। अच्छा भैया आपके यहाँ चोरी हुई है, जैसे कि पुलिस गश्त करती है गाँव में, आपके यहाँ पुलिस आती है भगतपुर की गाँव गश्त करने के लिए गाँव में कहीं? नहीं आती तो है सर यहाँ पर हमारे यहाँ तो अभी नहीं आई, रात में तो मैंने देखा नहीं कि रात में आई है, गश्त लगाने ही नहीं आई। अच्छा आपने कभी नहीं देखा पुलिस को, भगतपुर पुलिस को आते हुए? नहीं जी। तो किसी पे शक आपको किसी तरह का? अभी कोई शक नहीं है सर जी। आपने तहरीर दे दी थाने में? हाँ तहरीर दे दी है थाने में। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से अभी उन्होंने बोल दिया सर ने कि आप यहाँ आएंगे और मुआयना करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार के रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर खास की सूचना पर थाना मंडी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मोहम्मद सुहैल पुत्र नेक मोहम्मद निवासी गली नंबर 5 इंदिरा चौक थाना मंडी को शकूरी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक पेटी देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मंडी जनपद सहारनपुर पर मुआयना संख्या 210/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि, देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आसपास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं। कल जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।